हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है द उन्नति ब्लॉग में। तो गाइस मैं आया हूँ जयपुर अपने दोस्त के पास, जिसकी अभी शादी हुई थी। अरविंद जी आ गए हमारे मिस्टर बीट अरविंद कुमार आ गए शादी के बाद, पहली मुलाकात उनके साथ। और ये देखिए, ये हमें दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, इन्होंने हमें भेंट किया है। ये मेरा संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दोस्ती का बात थी, मेरा स्वाभिमान के भाई के शिक्षा चलते हैं हम उनका। और दिनों बाद मुलाकात हो, मित्रों से मुलाकात तो मैं कभी मिस ही नहीं करता ना। तो अरविंद जी के घर आ चुके हैं और उनसे चलते हैं। चलो भाई साहब। सो गाइस, मैं आ गया मिस्टर अरविंद कुमार के घर और यहाँ पे थोड़ा हैरान हो गया था, थक गया था बहुत ज़्यादा। सुबह 5 बजे के चल रहे थे बस में, तो बहुत ज़्यादा थकान के कारण मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये चल रहा है क्या? सही है, जा रहे भैया? हमारे वहाँ के छोटा अपने कहीं कम शादी का है ना, कंदोली वाली तो भारत है। आपने क्या बहुत छोटों में रखा है? हाँ, तो ये कल वो कल वो इतना आदमी टाइम कर रहे हैं आपकी शादी में। ये देखो, शादियों की चर्चाएं चल रही है अभी, और शादी हो गई, बहुत दिन हो गए। हम दोनों ने अटेंड करी ना भाई, आए थे ना। सिंपल गया था, मजा आया था, बारात रुकी थी, मजा आया था बहुत। मगर वहाँ पे ससुराल में रुकी थी बारात, है ना। मगर ये मजा आया था, कार्यक्रम छोटा था ना। आज कंदोली थी, हमारा खाना कंदोली बारात कब रुकी भाई? नाइट रुकी थी, रुके थे क्या? नहीं, होटल में तुम नहीं हो, एक दिन तो होटल में सोए थे। वो वहाँ पे था ना, वो तो एक दिन पहले का था जब वो निकली थी बिंदोरी। जा रहे हो ऐसा? चल रहे बहुत जल्दी, जा रहे हो यार बहुत जल्दी जा रहे हैं। ये भैया देखो, ये जगदीश भैया जी है, बहुत दिन बाद मिले हम। ये ब्रदर हैं जालौर वाले, जालौर से आए, जालौर जाएंगे हम। तो दोस्तों, इनके लिए कामना करो, ये है ना। ये भीड़ ऐसा है, निरंतर चलती जा रही है, आती जा रही है, चलती जा रही है, भीड़ कम हो ही नहीं। और भाई साहब, ये आ चुके हैं रैली में एक बार से, और हम हेलो भाई, पानी की शानदार व्यवस्था करिए सब चीज। झालावाड़ पालावाड़ सबसे आए लोग बाग यार, देख आयोजक मंडली। और मंच पर समय को लेकर कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए जनसंख्या दिख रहे हो ना आप, बहुत कम हो गई पहले की बजाय। ये कुर्सियां खाली पड़ी है, पहले हमें सीट नहीं मिल रही थी, अब कुर्सियां खाली पड़ी है। तो ये देखो आप, इतनी सारी कुर्सियां खाली है, आराम से अब बैठ कर सुन सकते हैं। और दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस पुणे अपनी बस की तरफ, क्योंकि सवा हो चुकी है और होती रहेगी है तो, लेकिन हमें बहुत दूर जाना भी है। जब भी कोई बड़ी मारेलिन छूटती है ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो बीटी रोड पे देख रहे हो ना आप, कितना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, हमको मतलब व्यवस्था संभालने में बहुत परेशानी आ रही है। तो दोस्तों, अब हमारी बस चल रही है, हम चल रही है यहाँ से। तो दोस्तों, हमारी बस हो चुकी है रवाना, धीरे धीरे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है इसलिए धीरे धीरे चल रही है। बाकी ये भीड़ बहुत है, ये सब अपनी बस को पकड़ने की जल्दबाजी में है, कहीं किसी की बस छूट ना जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग बाग आए बेचारे। तो बस धीरे धीरे ट्रैफिक जैसा मिलेगा क्लियर होते ही, जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो अब हम बाय बाय करते हैं जयपुर को, बाय बाय जयपुर। और जो मैं सोच रहा था ना, वही हुआ गाइस। देखिए, ट्रैफिक में फंस चुके हैं बिल्कुल, पूरे रूप से 1 घंटा हो गया ट्रैफिक में फंसे फंसे। बहुत सारी बसें और ट्रकें, अंट संट बहुत सारे वाहन हैं, जो आगे पीछे इंटरलॉक हो चुके हैं पूरे। देखो ये पीछे का, ओ भाई साहब इतना ट्रैफिक है यार। थारी नीति पूरी ने पा मेरा के पान काला
चलेगा तारी नीत बुरी ने मामे राके बाम निकाला लेगा नीत बुरी ने मामे राके बाम निकाला लेगा काली में जय कुंडली नील धाम।